मिडनाइट है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन कुछ जो टेररिस्ट हैं एक पर्टिकुलर हाउस में वहाँ पर बाबागुंड में वहाँ पर वो हैंग किए हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाई हंडवाड़ा पुलिस और 22 आरआफ जो आर्मी की यहाँ पर यूनिट है प्लस सीआरपीएफ के साथ। तो जब ये सर्च पार्टी जब वहाँ पर रोज कर रही थी तो टेररिस्ट ने वहाँ से जो है फायरिंग शुरू कर दी, तो वहाँ पर जो है इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। तो लगभग ये 3 दिन जो है इनकाउंटर चला है, जिसमें जो है हमारे जो है पुलिस के जो है 2 जवान जो है उसमें शहीद हुए और सीआरपीएफ के जवान जो है 2 एक इंस्पेक्टर था उसमें और एक कांस्टेबल था जो कि निचली जो है वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो आज जो था एक और जो है कांस्टेबल है एसएन यादव जो इसे कम कर गए हैं, जिनको इंजरी वहाँ पर उस वक्त हुई थी। तो इसमें जो है 2 टेररिस्ट जो है उनके जो जिसमें उनकी जो डेथ हुई है, जो टेररिस्ट जो है उसमें एक की आइडेंटिफिकेशन जो हुई है उसका नाम है काबुल्ला, कोड नेम इज काबुल्ला और वो जो है रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बाकी जो सेकंड मन है उसकी अभी आइडेंटिटी जो है वो अभी एक्सप्लेन करनी है। आर्म्स एम्यूनिशन में जो है 2 AK-47 है और जो है 4 मैगजीन्स है और बाकी कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मिले हैं। सर व्हाई इट टुक फोर्सेस लॉन्ग टाइम टू कंक्लूड दिस ऑपरेशन? देखिए दैट एरिया वाज वैसे वेरी बिल्ट अप एरिया, वहां पर आपको पता ही है कि कंजेस्टेड एरिया था, लेन्स बाय लेन्स जो है वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड थी। तो हमेशा अप्रोच यही रहती है रिस्ट्रेंट मैक्सिमम बरता जाता है कि कोई ज्यादा डैमेज ना हो, तो इसलिए जो है हमारी कोशिश यही रहती है कि सिविलियन कैजुअल्टी ना हो जाए या और फर्दर कोई नुकसान ना हो जाए।